पागल हो क्या? एक लड़की होगी, लड़की की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? अबे ओए, तमीज से बात कर मेरी गर्लफ्रेंड से। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? इस एरिया के एमएलए का बेटा हूँ। शशांक, कितना प्यार करता है तू मुझसे? प्यार इतना करता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। कुछ भी? अच्छा, उधर देख, भिखारी आ रहा है, इसको परेशान करके दिखा। ले अभी देख, सोच ले, मजा आना चाहिए मुझे। अरे देख तो तू। पानी चाहिए? हाथ आगे कर। ले। ले पी ले, पी ले, पानी पी ले, आराम से पी तू। ले कैसे गिर गया? पी ले पी ले, अरे आराम से पी ले। पानी पीना है? ये देख नीचे पड़ा है, चाट ले वरना सूख जाएगा। आए में भी मजा आपको? चलो चले फिर अब। हाँ। बैठो गाड़ी। वे, अट गाड़ी के आगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसे लाचार लोगों को परेशान करके बहुत मजा आता है, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। यार कल की मूवी इतनी कुछ खास नहीं थी ना? हाँ, आज फिर से चलेंगे दूसरी मूवी देखने। डन डन डन, अभी यार मैंने देखी थी, कोई यार रखी थी उस पर। चलेंगे ना। डन है, सिगरेट लेने? अच्छा कल उस गरीब का तूने बहुत मजाक उड़ाया ना, आज इसका मजाक उड़ा के दिखा, फिर मैं मानू कि तू मुझसे प्यार करता है। अच्छा जी। हाँ आओ फिर। ये क्या तरीका है? अरे हम तो आपके मजे ले रहे हैं, अब मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला आपके मजे लेने हैं, तो मैं तो बस उसी की बात मान रहा हूँ। मतलब? मतलब ये कि हम तेरे मजे ले रहे हैं। तुम दोनों पागल वागल हो क्या? ऐसे रहा चलते किसी को परेशान किया जाता है? अरे मैडम जी, हम ना ऐसे ही मजे लेते हैं सबके। तुम पागल हो क्या? एक लड़की होगी, लड़की की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? अबे ओए, तमीज से बात कर मेरी गर्लफ्रेंड से। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? इस एरिया के एमएलए का बेटा हूँ। तो क्या हुआ? मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों की। पुलिस? पुलिस ना हमारे नीचे रहती है, समझ गई? शांक वर्मा नाम है, बता दियो उनको, जा चल। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे से ऐसे बात करने की? हाँ, दो कौड़ी की भिखारी कहीं की, निकल यहाँ से। हाय बड़ी, चलो बेबी। मजा आया यार बड़ा, सही मजे लिया इसके। नहीं इशांक, इशांक वो जिन लोगों को हमने परेशान किया था ना, उसमें से किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी है, और पुलिस कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है। मुझे बहुत डर लग रहा है इशांक, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा इशांक, लेकिन पुलिस, कुछ नहीं होगा, पहले भी तो इतनी एफआईआर हुई है ना, कुछ नहीं होगा। आओ चलो मेरे साथ। ये ले पैसे, हमारे ऊपर एक केस है, उसे रफा दफा कर फटाफट। सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा तो तुम ये नाटक कर रही थी हमें फंसाने के लिए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मेरा बाप कौन है, इस एरिया का एमएलए, 2 मिनट में ट्रांसफर कर देगा तुम्हारा। तुम दोनों को मालूम है आईपीसी धारा 324, 506 और 504 के अंतर्गत तुम दोनों को 7 साल की सजा हो सकती है, और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एक पुलिस वाले को परेशान करने के लिए तुम्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है।
लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि हमने उन लोगों को परेशान किया? क्योंकि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आकर मेरे खिलाफ गवाही दे सके, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता है कि मेरा बाप कौन है। राइट। एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिनों से मुझे तुम दोनों की कंप्लेंट्स आ रही थी, बट मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे पिताजी इस शहर के एमएलए हैं, किसी ना किसी जुगाड़ से तुम्हें बचा ही लेते, तो मैंने ये स्टिंग ऑपरेशन करने का सोचा। Like it? शर्म आती है तुम दोनों को ऐसे राह चलते किसी भी गरीब आदमी को परेशान करने का हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, Who gave you this right? माना तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे पिताजी इस शहर के एमएलए हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, चाहे इंसान कोई भी हो, वीआईपी हो चाहे प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए एक बराबर ही है। और हाँ, इस बार तो बहुत प्यार से समझा रही हूं, लेकिन अगली बार जो मेरा तरीका होगा ना, वो शायद तुम दोनों में से किसी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को जेल भेजेंगे। जेल? अरे भवानी जी, इन दोनों को जरा हवालात की सैर करा लाइए, और साथ ही साथ ये कुछ पैसे हमारे तोहफे में लाए थे, ये उन गरीबों में भिजवा दीजिएगा जिनको ये परेशान करते हैं। अरे सर, एक बार मुझे अपने पापा से तो एक मिनट सर, आप ऐसे नहीं कर सकते सर। इस वीडियो का मोरल आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ लड़के बुजुर्ग के साथ मजाक करते हैं, उन पर पानी फेंक के भाग जाते हैं। उनके लिए भले ही टाइम पास हो, लेकिन आप जिनके साथ ये कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसा उनके साथ ना करें, उनकी आप मदद करें, उनका साथ दें। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि कभी आपने किसी की मदद की है, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि वो कमेंट पढ़ के और लोग मोटिवेट होंगे। और आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के पास, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक मोरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।